अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रॉक बनाएंगे, साइड प्लेटेड फ्रॉक। उसके लिए हमने कॉटन के जो ड्रेस आते हैं वो लिया है। ये हमने 2 मीटर कुर्ती का कपड़ा लिया है। शोल्डर हमने 6 इंच पर मार्क करने हैं, आर्म होल 7 पर, और चेस्ट हमने 10 इंच पर मार्क करेंगे। हमारा 34 का चेस्ट है। पर 1 इंच का मार्क देते हुए शेप दे देंगे। अब कमर हम लेंगे, यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे, इसे मिला देंगे। यहाँ पर हम सीधा सीधा कट कर लेंगे। टोटल लेंथ हमने 14 ली है, 45 हमारी टोटल लेंथ है पूरे टॉप की। लेंथ 45 है। अब हमने इसे कट कर लेना है। ऊपर से हमने 14 पर कोटी पर मार्क किया है। नीचे से भी हमने कट कर लिया है। 4 इंच पर मार्क कर लेंगे हम सेंटर से। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। अब इस पूरे को हम कट कर लेंगे। पर भी हम साइड से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने प्लेट्स लगा लेनी है, छोटी छोटी गैदर्स ऐड कर देंगे और इसको जॉइन कर देंगे और सेंटर को भी जॉइन। अब यहाँ से हमने स्लीव्स लेनी है। स्लीव्स पे हम 10 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगा। आर्म होल हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से हमने 12 इंच लिया है, पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। जो हमारा साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसी से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। ये हमारा खुला साइड है, यहाँ पर हम मोती लगाएंगे बीच में। यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पर। अब हमने इसमें गैदर्स ऐड करनी है। ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स बना लेंगे हम। सबसे पहले हम एक पार्ट लेंगे, उसकी गैदर बना लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। इसे जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे जॉइन करते हुए। और फिर हमें सेकेंड पार्ट लेना है, इसमें भी हम छोटी छोटी गैदर्स बना लेंगे और फिर हमने इसे भी जॉइन कर लेना है। अब हमने इसे जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे, तो हमने उसके लिए मार्क छोड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे अंदर से। दोनों साइड्स पर हमने ऐसे ही डोरी लगा लेनी है और फिर सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है, तो हम बिल्कुल ऐसे लेस को सीधा सीधा लगा देंगे और साइड से भी हम दूसरी साइड भी हम ऐसे ही लेस लगा लेंगे और साइड से भी हमने लेस लगा लेनी है। अब हमने लेस अटैच कर ली है दोनों पार्ट्स पर। हम बिल्कुल ऐसे ही लेस अटैच करेंगे। डोरी भी हमने लगा ली है।
अब हमने नेक कटिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले हम फ्रंट नेक कट करेंगे। नेक के लिए हमने 2.5 इंच का मार्क करना है। टोटल लेंथ में हमने 5.5 ली है। मैंने अपने गले के अकॉर्डिंग लिया है, आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो 5 या 6। पान शेप बना लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया। अब इसको हमने सेंटर पर रखते हुए अटैच करके सिलाई लगा लेनी है। अब हम बैक पार्ट की भी हमने ऐसे ही कटिंग करेंगे। 2.5 पर मार्क करेंगे और टोटल लेंथ हमने 4 इंच लिया है। बैक हमने छोटा ही रखा है, इसे भी हम कट कर लेंगे। और इसको भी हम सेंटर से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमने दोनों नेक रेडी कर ली है बनाकर। स्लीव्स अटैच करेंगे हम। स्लीव्स हमारी ओपन थी तो हमने ऐसे ही दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है सेंटर में रखते हुए। अब हमने फिटिंग दे देनी है ड्रेस की। आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग फिटिंग दे सकते हो। ये हमारी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। इस पर हम लटकन लगा लेंगे नेक में सेंटर में, जो हमने अभी लगाई नहीं है। अब ऐसे ही हमने प्लाजो रेडी कर लेना है। यह हमने 12 इंच पर मार्क किया है। 2 इंच हमने बेल्ट का छोड़ देना है। यहाँ से हमने 12.5-13 इंच पर मार्क करेंगे। शेप दे देंगे हम, राउंड शेप दे देंगे। नीचे से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच बेल्ट का छोड़ने के बाद हमारे पैंट की टोटल लेंथ जितनी भी है 40, वो हम पूरी ले लेंगे तो 38 पर आ जाएगा। हमारी प्लाजो की टोटल लेंथ 38 ही थी। इसे शेप दे देना है। हमारे हिप 34 के थे, उसके लिए हम 12 इंच पर मार्क करते हुए बेल्ट पे हम इसी में से फोल्ड करते हुए लेंगे। बेल्ट के हमने एक्स्ट्रा लिए थे 2 इंच। दोनों साइड पर हमने स्टिच लगा लेनी है। नीचे से भी हम फोल्ड कर देंगे। प्लाजो स्टिच करना है तो सबसे पहले हम दोनों साइड पे दो दो सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें बेल्ट को फोल्ड करना है और हम इसे नीचे से भी फोल्ड करेंगे 1 इंच का मार्जिन देते हुए। अब यहाँ पर हम इसे सेंटर से सेंटर में लाते हुए 2 इंच हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था तो 2 इंच का मार्जिन देते हुए बेल्ट रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे मोड़ी पर और इसे पूरे पर स्टिच कर लेंगे। प्लाजो बन के रेडी हो गया। तुमने दुपट्टा ऊपर ला के लेते हैं। ये हमारा प्लाजो बन के रेडी हो चुका है। पर हमने इलास्टिक लगा लिया था। ये सबसे इजी कटिंग है प्लाजो की।